पंजाब की जिहड़ी है राजधानी चंडीगढ़ है उत्थे तुहाडी वड्डी जिहड़ी है जित होई है नगर कौंसल चुनावों विच कि पंजाब दे विच भी इवें ही पकड़ बनाओगी तुसीं 14 सीटां कढ के उत्थे एक बड़ा वड्डा एग्जाम्पल सैट किया वो एग्जाम्पल उहदी जिहड़ी हवा है पंजाब दे विच ऑलरेडी चल रही आम आदमी पार्टी 86 किलोमीटर की गल की जाए तो तुहाडा हलका है उस दे विच किवें पकड़ बनाओगे इन्ने दिनां दे विच जी मैं पकड़ तो बनावा ना जी मैं बाहरों होवां मैं तो बड़े लंबे समय तो इस हल्के की सेवा कर रहा उस पब्लिक विच बैठ के ये चीज़ा बड़े लंबे समय तो महसूस कर रहे थे भी कोई ना कोई तो आऊगा जो इस मसले को हल करूगा फिर लोगों ने इन्ना को उत्साह दिता इन्ना को मान सम्मान दिता फिर लोगों की आवाज़ को बुलंद करद्या 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 आम आदमी पार्टी नाल जुड़ गए आम आदमी पार्टी दी गतिविधियां नूं समझिया जिहड़े ITI की गल कर रहे हैं जां होर नशा छुड़ाओ की गल की जा रही है PGI सेंटर की गल की जा रही है यूनिवर्सिटी की गल की जा रही है तुसीं इहो जिहे किहो जिहे वड्डे प्रोजैक्ट जिहड़े लैके आओगे मैं तो सिर्फ यही चीज़ कहना चाहुंदा वी उह अपना रिपोर्ट कार्ड लैके आउण बैठ के गल करन वी उन्होंने हल्के दे विच की काम कीते 2022 दी विधानसभा चुनावों नूं लैके पंजाब दे विच जिहड़ी आम आदमी पार्टी जिहड़ी है अपने उम्मीदवारों के ऐलान किए जा रहे हैं 117 सीटों के 88 सीटों का ऐलान कर दिया गया है और जो गल की जाए फिरोजपुर शहरी हल्के अज रणवीर भुल्लर जी टिकट दे दी गई है और जो दूजे पास गल की जाए हलका जीरा के जोड़े है नरेश कटारिया और फिरोजपुर देहाती दे आशु बंगर जोड़े है हलका जोड़े इंचार्ज लगे से उन्होंने उम्मीदवार की टिकट दे के उन्होंने इतों की जी कमान संभाल दी गई है असी गलबात करेंगे आशु बंगर जी नाल जी उन्होंने टिकट मिलने तो बाद कहो जिहा माहौल है जे पहला तो एक हलका इंचार्ज सीगे सर आशु जी लगातार तुहानू आम आदमी पार्टी वालों जिहड़ा है हलका इंचार्ज लगाया गया सीगा फिरोजपुर देहाती दे विच हुण तुहानू टिकट दे दित्ता किवें महसूस करदे इस नूं बड़े माण वाली गल है जी साडे सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं तहे दिलों धन्नवादी हाँ उन्होंने इन्ना विश्वास जताया और हल्के दे लोगों ने इत्थों तक मैनूं पहुँचाया सो मैं साडे सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी का और साडी समुची हाईकमांड का साडे भगवंत सिंह मान जी का और मेरे हल्के दे वलंटियर साहबान अहुदेदार और सारे समुची टीम का धन्नवादी हाँ क्योंकि उन्हां दी बदौलत ही मैं अज इत्थे पहुँचा हाँ जे गल कीते पंजाब दी जिहड़ी है राजधानी चंडीगढ़ है उत्थे तुहाडी वड्डी जिहड़ी है जित होई है नगर कौंसल चुनावों विच कि पंजाब दे विच भी इवें ही पकड़ बनाओगे तुसीं देखो जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दे विच एग्जाम्पलां सैट कीतियां कहन दा भाव उन्होंने किता कम करके दिखाया जिस तरह गल की जाए चंगी एजुकेशन मतलब पढ़ाई दी चंगी सेहत सहूलत दी महिलावां नूं उच्च दर्जे दे उत्ते मान सम्मान देना बच्चियां नूं हाई प्रोफाइल दे विच ये चीज़ महसूस करवानी गौरव देना कि तुसीं वधिया कर सकते हो बच्चियां नूं एप्रीशिएट करना सो जिहड़े दुकानदार ने जिहड़े इन्हां लोकां नूं समां दे के उन्हां दीआं जिहड़ियां मुश्किलां ने उन्हां नूं सुनना और दिल्ली दे विच लगभग 1.5 लाख दे लागे छागे CCTV कैमरा तुसीं देखिया होणा कि हुण दिल्ली दे विच कदी इह सुण नहीं आया इत्थे कोई इदां कोई रेप हो गया कहण दा भाव या कोई इदां दी दुर्घटना वापरी गई है या कोई वड्डी डकैती हो गई क्योंकि उत्थे जिहड़ा सिस्टम है बड़ा ही एक मतलब वधिया तरीके नाल बड़े वधिया तरीके नाल उहनूं सजा के वधिया तरीके नाल बना के एक अच्छी मतलब एग्जाम्पल सैट कीती है उहदी एक छवी कल सानूं चंडीगढ़ दे विच देखण नूं मिली चंडीगढ़ दे विच आम आदमी पार्टी ने सब नाल ज़्यादा मतलब सीटां लिआंदियां सो 14 सीटां कढ के उत्थे एक बड़ा वड्डा एग्जाम्पल सैट कीता वह एग्जाम्पल उहदी जिहड़ी हवा है पंजाब दे विच ऑलरेडी चल रही आम आदमी पार्टी की सो 2022 दे विच देखो आगे आगे होता है क्या 2022 दे विच आगे आगे होता है क्या लेकिन पंजाब की जे गल कीते पंजाब दे जिला फिरोजपुर की देहाती दे विच देहाती दे विच करीब जिहड़ा बहुत वड्डा ग्राफ है करीब जिहड़ा 86 किलोमीटर जे किलोमीटर की गल की जाए तो तुहाडा हलका है उस दे विच किवें पकड़ बनाओगे इन्ने दिनां दे विच तुसीं नहीं जी मैं पकड़ तो बनावा ना जी मैं बाहरों होवां मैं तो बड़े लंबे समय तो इस हल्के की सेवा कर रहा सो इस करके मैनूं अपने हल्के दे ब्लाक बारे पता है पिंडां बारे पता है जिहड़ियां वार्ड्स ने इहदे बारे पता है सो इहनां दीआं मुश्किलां पता ने बस असी उस पब्लिक विच बैठ के ये चीज़ा बड़े लंबे समय तो महसूस कर रहे थे भी कोई ना कोई तो आऊगा जो इस मसले नूं हल करूगा लोगों दीआं जिहड़ियां मुश्किलां ने उहनां दे उत्ते गल करूगा लेकिन जदों असी खुद सेवा कर रहे थे फिर लोगों ने इन्ना को उत्साह दिता इन्ना को मान सम्मान दिता फिर लोगों की आवाज़ को बुलंद करद्या करद्या करद्या
आम आदमी पार्टी नाल जुड़ गए, आम आदमी पार्टी दीयां गतिविधियां नूं समझिया, उन्हां दी सोच नूं समझिया, उन्हां दी सोच चंगी लगी, उन्हां दे काम कीते हुए वधिया लगे। सो इस करके हल्के दे लोकां ने प्यार मुहब्बत दे के थापी दे के इत्थों तक पहुँचाया। मेरी आप दी तां कोई औकात नहीं, इह मेरे हल्के दे लोकां नूं बहुता पता है वी मैं की सी ते मैनूं की बणाया उन्हां ने। इस तो पहले जी गल की जाए अकाली दल वालों जोड़ा 10 साल जोड़ा है 2007 तो लैके 17 तक किया, हूँ जे गल की जाए तो हूँ कांग्रेस ने करीब है 5 साल का जोड़ा समा बीतन वाला है ना, कुछ समा रह गया जोड़ा उन्होंने, उन्होंने काबिल किया तो उन्होंने बड़े विकास की गल कर रहे हैं कि उन्होंने जोड़े है ITI की गल कर रहे हैं, जां होर नशा छुड़ाओ की गल की जा रही है, PGI सेंटर की गल की जा रही है, यूनिवर्सिटी की गल की जा रही है, तुम यह कहो जे वे प्रोजेक्ट जोड़े लैके आओगे इस सारे? देखो पहला गल की अकाली दल की, अकाली दल ने पंजाब दे घट्टो घट 25 साल राज कीता। राज करना मतलब पूरी बहुमत लैके सरकार बनाई ते उहदे विच उन्होंने सारे फैसले कलम उन्होंने हाथ दे विच सीगी। मैं तो सिर्फ यही चीज़ कहना चाहुंदा वी वो अपना रिपोर्ट कार्ड लैके आउण, बैठ के गल करन वी उन्होंने हल्के दे विच की काम कीते। काम उन्होंने कीते अपने सरपंच पक्के कीते, उन्होंने काम कराए, उन्होंने दीआं गलियां बनवाईआं, दूजिआं दे परचे कराए, दूजिआं नाल वादघाट कीती। इह सो इह इह चीज़ां राजनीति का कोई पक्ष नहीं है, राजनीति का पक्ष है कि लोगों की जिहड़ी आवाज़ है, लोगों का जिहड़ा पैसा है वो लोगों तक पहुँच करे। और रही मैडम सत्कार कौर की गल, मेरे वड्डे भैण सत्कारयोग ने, मैं बड़ी उन्होंने इज्जत करदा क्योंकि महिला बड़ी मेहनत करके लोगों ने बड़ी उम्मीद नाल वोटा पा के उन्होंने जिताया सी, लेकिन वो भैन जी ने मतलब मैनू नहीं लगता कोई हल्के बारे सोचा, क्योंकि मैं काफ़ी बारी नॉलेज उन्होंने मेरे गलों तो मैनू जाणू होया कि उन्होंने बहुता कुछ पता नहीं। वो हल्के दे विच पिछे ही तुहाडी इंटरव्यू ते कह रहे थे कि 250 स्कूल मैं स्मार्ट बनाते। सो मैं तुहाडे माध्यम चैनल के राही दसना चाहुंदा कि 237 का पिंड है, सो 250 स्कूल तो बन नहीं सकते। वो बाकी दस रहे ने PGI लैके आंदा, हुण PGI का उद्घाटन तुसीं देखो सरदार परमिंदर सिंह पिंकी ने रख्या, हुण 5 तरीक नूं अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब आ रहे ने, ठीक है, PM साहब आ रहे ने, अपने प्रधानमंत्री आ रहे ने, पर कहण दा मेरा मतलब इह ते रोटियां ते सिक्कियां जा रहियां ने, जिहदी चलदी उह चलाई जांदा है, लोकां दी तां किसे नूं फिकर नहीं, बस इस नाम से वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के विकास की किया, एडा हल्का है, 237 पिंड ने, उहदे ते आपां इह कहीए मैं पार्क बनाती, मैं किट्टा देती हाँ, भैन जी ने भी गल कही भी 1700 बच्चे नशा छड्ड गए। सो मैं उन्होंने याद करवाना चाहुंदा भी तुसीं उह भी दसो भी किन्ने मावां दे पुत मर गए, किन्ने नशे दे लग गए, उहदे बारे भी आपां नूं जानकारी होनी चाहीदी है। सो लोगों के बड़ा उत्साह है, ऐतकी लोग इन्हां तों बड़े परेशान ने, और ऐतकी तुहानूं दस्सिया भी आ गया कि देखो होता है क्या। एक एक आडियो बड़ी वड्डी जिहड़ी है वायरल हो रही है, तुहाडे भी शायद आई होनी है तुहाडे कोल कि भी कांग्रेस विधायक दी, उस नूं किवें देखोगे तुसीं? आडियो देखो जी तुहानूं ज़्यादा पता है, बड़ियां वायरल होईआं, बड़ियां आडियो आईआं, बड़ियां चले गईआं, ठीक है। इहदे 'च की टिप्पणी करांगे, जे उन्होंने माड़ा काम किया तो उत्ते कार्रवाई होनी चाहीदी है, क्योंकि आडियो दे आधार ते मैं कोई पक्ष नहीं लै रहा, आवाज़ तो कहिंदे उन्हां दी है, पर वो मैडम कहिंदे भी पता नहीं कोई इहो जिही उहदे 'च गल है नहीं, लेकिन उहदे 'च लग तां रिहा वी उन्होंने उन्होंने कुछ इहदा दवे लफ्ज़ां 'च गल कही है जिहड़े आपां सभ नूं पता है, पर इहदा जिहड़ा रिजल्ट है लोकां ने 2022 दे ही देना मैडम। आशू जी गल की जाए तो फिरोजपुर देहाती दे विच जिहड़े अनजान सिंह मोड़ जिहड़े है तुहाडे आम आदमी पार्टी दी बड़ी उन्होंने सेवा की है, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार लड़न का ऐलान किया, किवें वेखोगे तुहानूं कित्थे उत्थे? देखो मेरे बड़े सत्कारयोग छोटे भरा ने, वो असीं इकट्ठे काम करते हैं, चाहे रजनीश दहिया जी होण, चाहे होण, चाहे मैडम मनप्रीत, एक परिवार के भरावान भी झगड़े हो जाते ना, सो वह भी सारे टिकट दावेदार से, साड़ी सारे दौड़ सी, लेकिन चलो परमात्मा ने जिदे भी सिर पर वो ताज रखना सी रख दिता। हुण इहदे विच कोई ऐसी गल नहीं कि कोई नाराज़ है, माड़े मोटे मन मुटाव हुंदे रहिंदे, साड़ी आपस गल चलती रहिंदी है, कोई ऐसी गल नहीं, वो टाइम आने के उत्ते जे कुछ लगता भी हो तो आपस बैठ के एक मंच से बह के गए सारी तुसी जिहड़ी चुनाव लड़ोगे कि इवें ही रहे? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी जो देखो जी कोई बाहर नहीं जाता, ऐसी कोई गल नहीं है, वो मतलब उन्होंने अपने फेसबुक तो पोस्ट नहीं की हुई, वो किसी ने फेक पेज बनाया हुआ उस पाया, ऐसी उन्होंने कोई मंशा नहीं हैगी, वो आम आदमी पार्टी के नाल ही है। 2022 कि सरकार बनाने के देखो जी, ये तो जिंदी मर्जी आवाज़ पूछ लो, तुम्हें कि थोड़ा की कहना, तुम दसो कि सरकार आऊगी थोड़ा की, तुम्हें भी कोई पक्ष पता ही होगा? साड़ी तो हजे रुझान हजे तैयार होने चल रहे हैं, हूँ तुम ऑन कैमरा नहीं ना कहते। सो 2022 आम आदमी पार्टी सरकार आऊगी, वह रीज़न बहुत व्डा है जी, रीज़न पंजाब किसी ने हैल्थ की गल नहीं की, किसी ने चंगे हॉस्पिटलों की गल नहीं की, चंगे स्कूल की गल नहीं की, अज तक हिंदुस्तान किसी ने महिलावान बारे नहीं सोचा, ठीक है। सो पहली सरकार है जिन्हें महिलावान वास्ते इन्ना मान सम्मान दिता, और आम आदमी पार्टी यहोजी एक साफ अक्ष की पार्टी है, जे किसी भी कोई छोटा जहा दाग लगा
तो पार्टी ने यह नहीं देखना भी ये मेरा बंदा है इनू असी टकांगे। सो आम आदमी पार्टी यहो जहाँ कोई कल्चर नहीं, एको ही सुप्रीमो है, वह फैसला है वो पूरा नाप तोल के करता है। सो ऐसी कोई गल नहीं, आम आदमी पार्टी 2022 सरकार बनाऊगी, लोगों का बड़ा विश्वास जुड़िया हुआ है। ए फिरोजपुर देहाती तो जड़े है उम्मीदवार आशु बांगर जी, जिन्होंने जी है 2022 के जड़े है आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के दावे किए। उन्होंने कहा कि जिमें चंडीगढ़ के जोड़ा है कि नगर कौंसल चुनाव के 14 सीटा लैके जी वही बहुमत जी जित हासिल की है। 2022 के केजरीवाल की सरकार पंजाब के बना के पंजाब की जनता नवी सरकार नवा जोड़ा है पंजाब का जोड़ा है दिता जाएगा। फिरोजपुर तो कहना पसंद जगदीश कुमार की फैक्ट न्यूज़। हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।